तो फ्रेंड्स चलिए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। देखिए ये मेरे गैरेज में है, बजाज कंपनी का प्लाटिना बाइक है। यहाँ प्लाटिना का लोगो भी लगा है और यहाँ भी देखिए हाई गियर 110 सीसी बाइक है। और प्लाटिना सब ईएस बाइक में कैसे माइलेज सेटिंग किया जाता है इस टॉपिक पे हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्लाटिना हाई गियर 110 सीसी बाइक का। तो आप जब भी प्लाटिना बाइक का माइलेज सेटिंग करते हैं तो आपको दो चीज़ वो जैसे मोस्ट है, आपको इस दो चीज़ों पर फॉलो करना है। एक हो गया बाइक का एवरेज, आपको एक हो गया बाइक का एयर फिल्टर। साइड पैनल को ओपन करना पड़ेगा। एयर फिल्टर को खोलने के लिए इसमें टोटल 5 नट आ जाते हैं। एक यहाँ इस 5 नट में 5 नट को हम खोल करके बाहर निकाल लेंगे। तब तक इस नट को खोल रहा है तब तक हम आपको उस तरफ लेकर चलते हैं। नट खोलो तुम। उसके बाद जो हो गया बाइक का वो हो गया कंप्रेसर। अगर आपके बाइक का कंप्रेसर कम रहेगा तो भी बाइक आपका एवरेज कम देगा और कार्बोरेटर का ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप देखिए हम आपको किक दबा करके दिखला रहे हैं। इस बाइक का अभी किक जो है सो प्रॉपर टाइट है। जैसे कई बाइक में आप देखे होइएगा जैसे हम किक दबाते हैं तो तुरंत ऐसे नीचे चले जाता है, तो आप समझ जाइएगा बाइक का टाइपेट जो है सो यहाँ पर टैपेट लगा है, टैपेट टाइट है। तो आप मैकेनिक के पास जा करके टैपेट का भी चेकअप करवाइएगा, लेकिन पहले आपको एयर फिल्टर चेकअप करना है। तो आपका बाइक का जितना भी ट्यूनिंग करवा लीजिए, चाहे कार्बोरेटर को कुछ कर दीजिए, बाइक का एवरेज नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप बाइक का एयर फिल्टर चेकअप कीजिए जब भी आप बाइक का माइलेज सेटिंग करते हैं। तो आपके पास जो भी बाइक है उस सभी बाइक के लिए मैं टिप्स आपको देता हूँ कि बाइक का माइलेज सेटिंग करते वक्त आप एयर फिल्टर जरूर चेक कीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे एयर फिल्टर के अंदर कितना ज़्यादा कचरा जम गया है, डस्ट जमा है। इस फोम को हम निकाल लेते हैं बाहर। देखिए इस एयर फिल्टर का कितना ज़्यादा खराब हालत हो गया, ये सड़ चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं तो इस बाइक में हम एयर फिल्टर नया फिट करेंगे, फिर उसके बाद बाइक का कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करेंगे। देखिए मेरे पास नया फिल्टर है, बजाज कंपनी का जेन्युइन पार्ट है। देखिए ये इसको इस कवर में करना पड़ेगा फिट। इसको देखिए अच्छा से हम क्लीन कर लें। यहाँ पे इस एयर फिल्टर वाले बॉक्स को भी हम यहाँ पे क्लीन कर लें अच्छा से, इसमें बहुत सारा डस्ट लगा था। इसको चलिए हम इसमें कर लेते हैं पहले फिट। ये प्रॉपर इसमें इसका जो ग्रिल था वो फिट हो गया। अब हम इस पर नया वाला थोड़ा इंजन ऑयल इस पर लेप कर देंगे ताकि जो भी इसमें डस्ट बैठेगा वो इसके अंदर रह जाएगा, इंजन तक नहीं पहुंच पाएगा कार्बोरेटर होकर के। अब हम इसमें कर लेते हैं फिट। इसको आगे की तरफ रखना है, इसको ऐसे फिट करना है। इसको ऐसे फिट करिएगा तो नहीं फिट हो पाएगा, इसको ऐसे फिट करना है। प्रॉपर एयर फिल्टर मेरा फिट हो गया। अब इसके अंदर एक ठो नेट दिया रहता है, जाल दिया रहता है, हम इसको कर लेते हैं फिट। उसके बाद इस कवर को कर लेते हैं फिट। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बाइक के रिलेटिव नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अब हम आपको बतला रहे हैं इस बाइक का माइलेज कैसे सेटिंग करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा जो ये स्क्रू है, ये बाइक का फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है, स्क्रू दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ये बाइक का आरपीएम सेटिंग करने के लिए बोल्ट दिया है, इसको स्क्रू ये स्क्रू दिया जाता है। ये आपको हाथ से भी राउंड हो जाएगा, हाथ से भी घूमता है। लेकिन अब पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आरपीएम बढ़ा लेंगे यहाँ से और बाइक का ये चौक आ जाता है। देख रहे हैं अब ये चौक लग गया, ये चौक छूट गया। चौक लगाना नहीं, इसको चौक को छोड़ा करके रखना है। तो अब हम बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट।
देखिए उसके बाद क्या करना है, फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को आपको फुल टेंट कर देना है। फुल टेंट कर दिए, बाइक मेरा बंद हो गया। आप क्या करेंगे, थोड़ा और इसका रेस बढ़ाएंगे उस तरफ से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट है। अब हम इस फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को आस्ते आस्ते से एंटीक बाइक लॉक इसको ढीला करेंगे। चलिए इसको हम कर लेते हैं आस्ते आस्ते से ढीला, इसको खोलना है। देख रहे हैं जैसे जैसे इस फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को हम ढीला कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ये बाइक का रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देखिए बाइक का जो है सो टॉप स्पीड हो गया। यहां पर इस फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को ला करके छोड़ देना है। हम क्या करेंगे, इस बाइक का राइट साइड में जा करके थोड़ा आरपीएम कम कर लेंगे, आपको बतलाएंगे इसको कितना राउंड ढीला करना है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बतला देंगे और आरपीएम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम इस स्क्रू को आस्ते आस्ते से कर लेते हैं ढीला। इस आरपीएम स्क्रू को वहां ले जा करके छोड़ देना जहां आपका बाइक बंद ना हो। देखिए बाइक मेरा अभी स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है आपको इसको फुल टेंट करके 6 राउंड इसको ढीला कर देना है, इसको 6 राउंड इसको ढीला कर देना है। इससे आपका बाइक का माइलेज प्रॉपर फिट हो जाएगा, माइलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।